हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगी, उसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देखो, तो उससे पहले मैं बता दूँ कि आखिरकार हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो और किसी ने थोड़ा ध्यान से सुना हो तो हमने क्या जाना था कि जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस, ये सब मोलर कंडक्टिविटी, इनकी डिपेंडेंसी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे होती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोल, नंबर ऑफ आयंस पे होती है, टेम्परेचर पे होती है, कंसंट्रेशन पे होती है। उनमें से हम एक फैक्टर के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो है कंसंट्रेशन। कि सिंपल सा किस फैक्टर की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की। अगर हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लो हमने क्या कहा कि अगर हम उसमें डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जाना और सॉल्यूट की मात्रा कांस्टेंट रखना। जैसे घर में अगर तुमने कभी बनाया हो कि नींबू पानी बनाया, नींबू पानी बहुत खट्टा हो गया, मतलब कंसंट्रेटेड है, उसमें तुम वाटर की अमाउंट मिलाते जाओ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन क्या होगा, इसकी तुम्हें कंसंट्रेशन कम देखने को, मतलब इसके डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब इसका असर तुम्हें कम देखने को मिलेगा। कंडक्टेंस हो गया है। अब एक बात होती है कंडक्टिविटी और एक तीसरी बात है मोलर कंडक्टिविटी, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडक्टेंस से। आखिरकार कंडक्टेंस ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल्स कितनी आसानी से सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। आखिरकार कंडक्टेंस क्या बताता है कि कोई पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं। तो इसलिए देखा गया है, क्या देखा गया है कि जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। क्यों? जैसे मान लो है कंटेनर है, बीकर है, ये सॉल्यूशन है और ये रहे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स। मान लो अभी इनको देखो यहाँ वहाँ मूव करने में दिक्कत आ रही है, जब हम क्या करेंगे कि इसकी जब ये पानी बढ़ जाएगा तो ये मतलब दूर दूर हो जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन, अगर मान लो हम कंसंट्रेशन कंडक्टेंस इंक्रीज होती है जब हम डाइल्यूशन करते हैं। क्या समझे इस बात से? तुम समझ मतलब बहुत ईजी तरीके से तुम समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कब होती है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते जाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी और मतलब इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आएंगे और उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। दो फैक्टर हो गए, मतलब अगर तुम कोई चीज़ डायल्यूट करते जाते हो तो उसमें भी हम देखने को मिलते हैं डिसोसिएशन होता जाता है। तो दोनों फैक्टर के ऊपर बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर कि आखिरकार इस कंडक्टिविटी का इसके से साथ क्या रिलेशन है। कंडक्टिविटी सुना होगा या फिर तुमने कहीं सुना होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस? जैसे ये मान लो, जैसे तुमने सुना होगा रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टिविटी सुना होगा। तुम क्या जानते हो कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, एक बात याद रखना। रेजिस्टिविटी की वैल्यू को तो मैंने 11th मतलब क्या नाम है मतलब फिजिक्स में लेक्चर अटेंड किया हो मेरा, तो मैंने बताया है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस से डिपेंड नहीं करती, ना लेंथ पे ना एरिया पे, डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे और उनके बॉन्डिंग पे। तो ऐसी ये होती है कि एक कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं, कंडक्टेंस से ज़्यादा रिलेट नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेमा होता है, तो वो हम लोग सब धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे। तो आखिरकार तुम्हें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? यहाँ तुम्हें देखने को मिलता है कि कंडक्टिविटी की वैल्यू घट जाती है जब कंसंट्रेशन घट जाए। क्या हो जाए? कंसंट्रेशन जब घट जाए। अब तुम कहोगे कि यार ये तो बड़ा लोचा हो गया है, हो गया कि नहीं, कि आखिरकार तुम यहाँ देख रहे हो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन करने पर, मतलब यहाँ क्या देख रहे हो, कंडक्टेंस मतलब जी की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड हो रही है। कि अगर तुम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है,
जबकि तुम क्या देख रहे हो यहाँ, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कप्पा से, के ग्रीक लेटर है। उसमें आखिरकार हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे, कि ऐसे समझ सकते हैं अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर कंसंट्रेशन मतलब डिक्रीज होना डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो एसिड बेस सॉल्ट होते हैं जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में मिलाने पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो कहलाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाते हैं जिनको पानी में डालो तो जल्दी आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होते जाते हैं। तो हमने आखिर कंडक्टेंस का रिलेशन देख लिया है, कंडक्टिविटी का देख लिया है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बात आ रहा होगा, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो इसमें कुछ कहानी इस तरीके से है कि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब जब कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो। मतलब इस तरीके समझ सकते हो कि नहीं, कि वन अपॉन सी मतलब इनवर्स, मतलब अगर तुम कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन सी। तो अगर तुम कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, तीनों चीज़ों में बात कर ली कि नहीं, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे, जबकि कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है कब, जब हम डाइल्यूशन करते हैं। इतनी भैया बेसिक बेसिक बात तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, इतनी आ जानी चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज हो रही है, जबकि कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किस डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन करने पे। अब इसको समझना है, क्यों समझना है, क्योंकि अगर तुम इसमें सी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम क्या देखोगे कि लैम्डा इक्वल टू के बी अपॉन एन। इस नंबर ऑफ मोल्स तुम कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिला रहे हैं। ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास कंडक्टिविटी और ये रहा वॉल्यूम। जब तुम किसी चीज़ में पानी मिलाते जाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन हमने क्या कहा है, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर तुम देखोगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टिविटी डिपेंडेंसी है और वॉल्यूम पर भी डिपेंडेंसी है, और डाइल्यूशन करने पे एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, क्योंकि देखो डाइल्यूशन मतलब होता है पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ बड़ी दिक्कत आई है, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से समझना है कि अगर मान लो कि के की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लो 10 घटी, तो वॉल्यूम की वैल्यू मान लो 15 बढ़ गई। हमें क्या देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा डोमिनेंट है कंडक्टिविटी पे। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि इस मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, क्या समझे। इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मेन कहानी क्या हो, मेन रीज़न क्या था। ये तीन, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तीन चीज़ हमने पढ़ ली हैं। इसे अपन लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अपन इस केसरी कप्पा से, इसे हम लोग लैम्डा से। तो अगर कोई दिक्कत कोई समस्या रह जाए तो क्या करना, कमेंट्स में लिख देना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या बात करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ। देखो अगर
कुछ देखो कोई भी टॉपिक में अगर तुम्हें दिक्कत आती हो, चाहे पढ़ाई में मन ना लगता हो, कंसंट्रेट ना कर पाते हो, डिस्ट्रैक्शन होता हो, किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, 11th क्लास के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं नीट के लिए, मेंस के लिए, जिस टॉपिक जो भी समझना है, तो सिंपली कुछ नहीं कमेंट्स में लिख दिया करो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड तुम्हें कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ आता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ, देखो इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है एसिड बेस और सॉल्ट, इतना जान लो। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी की क्या चेंजेस आएंगे जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेंजेस आएंगे मोलर कंडक्टिविटी में। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा। अब हम देख रहे हैं यहाँ किसके लिए देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं जो पानी में जाके जल्दी डिसोसिएट, मतलब ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। हाँ अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये करना है, जैसे तुमने घर में नींबू पानी बनाया, मान लो स्टार्टिंग में खट्टा था, तुम उसे पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब इस पानी में तुम्हें उस नींबू का टेस्ट ही समझ में नहीं आएगा, मतलब तुम्हें लगेगा कि हम सिर्फ पानी पी रहे हैं, नींबू का कोई असर नहीं है, क्या समझे। तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट मतलब कुछ नहीं है, इतना जान लो कि जब हम बहुत किसी चीज़ को बहुत मात्रा में बढ़ा देते हैं तो उसे इनफिनाइट कहना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बात करते हैं कि इनफिनाइट समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो पानी लो, उसमें एक चम्मच क्या डाल लो, नमक डाल लो, पहले नमक खारा लगेगा, पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें उस नमक की मात्रा ही पता नहीं चलेगी कि इसमें नमक मिला भी है या नहीं मिला है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन की वैल्यू थी लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो, क्यों, क्योंकि सी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नमक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को तुम्हें समझना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी बात। देखो तो आखिरकार हम क्या देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, हम पता लगाना चाहते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। एट इनफिनाइट इनफिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 to 0 हो जाती है, लगभग निगलेक्ट होने के बराबर हो जाती है। देखो मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस तरीके से, या इस यहाँ इनफिनाइट का साइन बना दो, क्या जानो, इस तरीके से तुम्हें समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर तक तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या स्टार ए स्टार बना के लिखो कि मोलर कंडक्टिविटी एट जनरल कंसंट्रेशन, तो वो होता है लैम्डा एम इक्वल टू एम नॉट एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट माइनस ए एक नाम का कांस्टेंट होता है, और सी मतलब उस समय जिस समय तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है उस समय कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, क्या समझे। उस समय ए रहा तुम्हारे पास एक इक्वेशन, क्या रही, ए रही तुम्हारे पास सस्ती सी सिंपल सी एक इक्वेशन, और बड़े ध्यान से रखना क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो चलो इसी के ग्राफ के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये बेसिकली क्या है, आउटपुट है बाई, इसे अपन सी मान लेते हैं, इसे अपन एम मान लेते हैं, इसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो तुम्हें इक्वेशन नहीं दिख रही, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी,
21 की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ स्लोप क्या है? निगेटिव है। ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ है कंसंट्रेशन, और यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। तो जब ए होगा 0.0, मतलब जब हम क्या मान के चलें, कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 होगी, सॉरी हाँ, जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 होगी तब उस समय मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ होगी कुछ। मान लो यहाँ मान लेते हैं 10 मान ली हमने, मान लेते हैं ऐसे दिल बहलाने के लिए, समझे कि नहीं। तो मतलब मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी तब होगी जब इसकी कंसंट्रेशन लगभग 0 को फुल डाइल्यूटेड होगा। तो क्या समझे? अब देखो एक को ये ना सोच लेना कि नहीं हम तो बिल्कुल प्योर वाटर ले लेंगे उसी में सब कुछ करेंगे। अरे कम से कम अगर कंसंट्रेशन की बात हो रही तो बहुत कम होनी है। इतना नहीं कि तुम प्योर वाटर ले लो फिर कहोगे इसमें तो कोई दूसरा कुछ सॉल्यूशन बनाना है भैया। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी होना चाहिए और क्या नाम वाटर भी होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कैसा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, क्योंकि जो स्लोप है वो नेगेटिव का है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई। ए वैल्यू क्या है? ए है एम नॉट की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। हर और हमने क्या कहा, ए की वैल्यू डिपेंड करती है क्या आखिरकार नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब तुम कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट्स ले, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। तो ये अगर मान लेते हैं, मान लो KCl के लिए है, अगर कोई पूछे कि HCl के लिए क्या होगी, HCl एसिड के लिए, तो हम बता देते हैं कि उसकी मान लो यहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी मोलर कंसंट्रेशन यहाँ होगी और इस तरीके से होगी, समझे कि नहीं। अब तुम्हारे किसी के दिमाग में आ रहा होगा, भैया आपने अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कुछ कहानी बता दीजिए। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ कहानी बताइए और कुछ फॉर्मूला बताइए, क्या समझे? तो मैं कहूँगा राजा बेटा सबसे पहले तुम एक ग्राफ देख लो। देखो ए C1/2 और ये क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। इसका मान लो हमने एसिड ले लिया है कार्बोनिक एसिड, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ। यहाँ क्या है, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ कंसंट्रेशन है। ग्राफ बनता है इस तरीके से। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कहाँ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी जो जहाँ हम पढ़ेंगे कोहलर रश लॉ। काफ़ी कमाल का है, बहुत आसान तरीके से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अंत तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें? ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में आ रहा होगा क्या, भैया आप कंडक्टेंस का थोड़ा और बताइए। कंडक्टेंस में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा फील आ रहा है जी। तुम कहो हमने एक चीज़ तो तुम्हें बता दी है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? मतलब इसकी कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगी। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ ऐसा होता है कि जैसे तुम तो पानी की मतलब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाते जाते हो, जैसे पानी मिलाते जाओगे ना, तो वैसे वैसे डिसोसिएशन और ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे डिसोसिएशन और ज़्यादा होता है, जैसे जैसे डिसोसिएशन ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे कंडक्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है लैम्डा अल्फा इक्वल टू CmAm। क्या समझे? ये होती है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और ये होती है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में किस तरीके की है। तुम कहोगे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो वो पहले से ही कम्प्लीटली डिसोसिएटेड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू देखोगे लगभग 1 के आसपास आ जाएगी, क्या समझे? अब तुम कहोगे भैया यहाँ कुछ कहानी बताइए, यहाँ क्या दिक्कत, यहाँ क्या कैसे समझेंगे? तो हम कहेंगे राजा बेटा, हम कहेंगे बेटा
कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम पानी बढ़ाते जाते हो, सॉल्वेंट बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे इन नंबर ऑफ पार्टिकल से इंट्रैक्शन कम होता जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से इंट्रैक्शन कम हुआ, वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो गए हैं, पर नंबर ऑफ चार्ज भी इंक्रीज हो गया है, और क्या बोलते हैं, साइज भी इसकी घट कम हो गई पार्टिकल्स की, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई है। एक चीज़ याद रखना कि जब मान लो ए मोलर कंडक्टेंस, जब मान लो ये पूरा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो गया इनफिनाइट पे, मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन हो गया है, तो इसकी वैल्यू लगभग 1 के आसपास आ जाती है। इतनी बातें कुछ याद रखना जो ज़्यादा काम आएंगी। तो अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताना, और हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहो।